एक आज साइबर क्राइम और थाना ऊंची ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो थाना ऊंच क्षेत्र के रहने वाला है और इसने एक लड़की से प्रेम विवाह किया था जो मदुरई के रहने वाली है। मुंबई में इनकी फैमिली रहती थी, वहाँ इनके आपस में रिश्ते बने थे और फिर ये इन्होंने प्रेम विवाह कर लिया था। बाद में इनमें आपस में जब रिश्ते इनके ठीक नहीं चले लगभग 1 साल तक, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। फिर ये जो लड़का है अपनी ही पत्नी को उसके व्हाट्सएप नंबर को, जो पहले चूंकि साथ में रहे तो उसके व्हाट्सएप नंबर को उसने क्लोन कर रखा था और उस नंबर से अपनी पत्नी को ब्लैकमेल करना शुरू किया, उसके अश्लील फोटो वीडियोज बना करके उसको भेजना शुरू किया। जब वो पत्नी ने कहीं कंप्लेन किया पुलिस यहाँ आकर के, पुलिस ऑफिस में एसपी साहब के पास कंप्लेन किया, तो उसने फर्जी पुलिस वाला बन करके उसका जो सो कॉल्ड पति था उसको मदद करने के लिए उस सारी चीजें जानता रहता था, क्योंकि इनका कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा था। और फिर धीरे धीरे उससे बात करते करते उसके फोटो वीडियोस और इसने शेयर भी किया, उस लड़की से इसने थ्रेट करके 4 लाख रुपए की डिमांड भी करी। तब वो लड़की जाकर के यहाँ आकर के एसपी साहब के पास कंप्लेन किया था। उसकी जांच जो है एसपी साहब ने साइबर सेल को दिया। जब इस लड़के को यह पता चला, उसने भी उसी नंबर से जिसका नंबर से उसका व्हाट्सएप चलता था अपने पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करके ये थ्रेट मैसेज किया कि 4 लाख रुपए डिमांड करने के लिए, और लड़की के पिता का आधार और अकाउंट नंबर का डिटेल भी इसने व्हाट्सएप किया और उसको मेंशन करते हुए उसकी फोटो कॉपी लगा करके एसपी साहब को कंप्लेन किया। फिर दोनों ही प्रकरणों को एसपी सर ने साइबर सेल को दे दिया। साइबर सेल ने बड़ी काफी जद्दोजहद के बाद, इसमें बहुत एक्सरसाइज करने के बाद इसको वर्कआउट किया, तो ये तथ्य में आया कि ये जो आनंद मोदन वाला लड़का है, गोधना थाना ऊंच का रहने वाला है, इसने अपनी पत्नी से जब अलग हो गया, उसके विरुद्ध मुकदमा उसने कर दिया, न्यायालय में चल रहा था, इसके उसको थ्रेट करना शुरू किया और उसके साथ इस तरह से चीटिंग किया। इसके संबंध में आज थाना ऊंच पे इसके विरुद्ध आवश्यक जो उचित धाराएं उसमें अभियोग पंजीत करके इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, इसको जेल भेजा जा रहा और बाकी सारा एविडेंस कलेक्ट करके इसके ऊपर आगे की कार्रवाई की जाएगी।